वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज है फ्राइडे और अभी हम आए हुए हैं आउटसाइड मॉल आए हुए हैं दिसान के लिए क्लोथ्स लेने हैं। 5-6 मंथ हो गए हैं दिसान के लिए, हमने कुछ भी परचेज नहीं किया है, इसलिए तो हम भी गए हैं मॉल में दिसान के लिए क्लोथ्स देखने के लिए। मैक्स जाएंगे या फिर लुलू मार्केट, वहाँ से लेंगे। तो मैं और दिसान कार में ही है। यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने अलाउड नहीं किया है छोटे बच्चों के साथ पार्क में या फिर कहीं भी जाना। पार्क तो भी क्लोज है, बीच भी क्लोज है, ओनली मॉल्स ओपन है। मॉल्स में सिर्फ बच्चों को जाना अलाउड नहीं है, बड़े ही जा सकते हैं। मतलब 12 साल से छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं, तो वही हो रहा है। तो हम दोनों में से भी सिर्फ एक ही जा पाता है, या तो वो जा सकते हैं या फिर मैं जा सकती हूँ, तो इसलिए वो ही चले गए। मैं इसके पास बैठी हूँ, काफी मुश्किल हो जाता है इसके साथ एडजस्ट करना। जब तक अभी आएंगे नहीं वापस तब तक ये मुझे ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहेगा। ये देखिए हम लोग पार्किंग में है अभी। सो अभी क्लोथ्स ले लेते हैं एंड टाइम भी हो गया, 1 बजने वाला है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रखा है और भगवान जी की पूजा की और बहुत ले लिया मैंने, और खाने अभी ने तो नहीं लिया, वो मार्केट से जाने के बाद में अच्छे से बहुत लेंगे। सो तभी खाना प्रिपेयर करूंगी मैं, अभी लंच नहीं हुआ है हमारा। सो फ्राइडे का हम मजा ले रहे हैं आउटसाइड आके। सो चलिए अभी मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर में। निशान से हाय, निशान दिशु से हाय, से हाय दिशु, नो नहीं जा सकते हम पापा के पास। मॉर्निंग में आए थे वो ब्लड टेस्ट कराने, तो अभी उसकी रिपोर्ट लेने गए हैं। उनकी तबीयत अभी सही नहीं है, थोड़ा उनको थ्रोट में पेन है और लेग पेन भी हो जाता है, तो बस वो वही रिपोर्ट लेने के लिए चले गए हैं। अभी थोड़ी देर में वो रिपोर्ट लेके आ जाएंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे अभी मैक्स। अभी लुलू से शॉपिंग करके आ गए हैं, अभी मैक्स जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे फिर घर पे। सो ये देखिए अभी हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं हम पार्किंग में। हेलो, बात करो, बोलो। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज ये तो मैं मनीषा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या बोलो? ओके, मैं मिलती हूँ अभी आपसे। क्या बोलो? बैक टू माय चैनल। हॉस्पिटल से वापस जाने के बाद में मैक्स गए। मैक्स से जो कुछ अच्छा लगा थोड़ा बहुत वो लेके आए हैं अभी, और अभी हम जा रहे हैं अपने घर। सभी घर जाके मुझे लंच प्रिपेयर करना है, अभी जाके बहुत ले लेंगे। तो चलिए अभी मिलती हूँ मैं घर पे चल के आपसे। तो आज लंच में सिंपल सा ही बना है, चपाती रायता एंड लौकी चना की सब्जी बनाई है मैंने। तो आज ये हो गया है हमारा लंच। तो आप भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। लंच के बाद में 1-2 घंटे रेस्ट किया, अभी 5 बज गए हैं। हम आ गए हैं ये मॉस्क में, ये घर के पास में जो है सुल्तान काबूस मॉस्क, उसमें। तो अभी हम यहाँ पे दिशान को थोड़ा घुमा लेंगे, अभी इसी में थोड़ा अलाउड है, बाकी तो कहीं पार्क वगैरह ओपन नहीं है। तो ये है सुल्तान काबूस मॉस्क, इसका वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल मॉस्क है ये, और इसके आसपास घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ग्रीनरी है। अभी मॉस्क में भीड़ होने लगी, काफ़ी लोग आने लगे बच्चों को लेके इधर, क्योंकि बस यही ओपन है, बाकी तो सारा पार्क वगैरह क्लोज है, तो सब इधर ही आ जाते हैं। तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो अभी हम आ गए हैं वहाँ से, और दिन भी छिपने वाला है,
घर जाके मुझे पूजा आरती भी करनी है और चाय भी पीनी है बना के। तो यहाँ फ्राई कर लेती हूँ मैं पालक के पकौड़े एंड ये बन रही है मेरी चाय। सो आप भी आ जाइए हमारे साथ चाय और पालक के पकौड़े खाने के लिए। तो हमारे यहाँ खाना नीचे बैठ के ही खाया जाता है, तो अभी अभी टीवी देख रहे हैं और पालक के पकौड़े खा रहे हैं, दिशान भी खा रहे हैं उनके साथ। तो यहाँ पे मैं चपाती बना रही हूँ, 8:30 बज चुके हैं, सो अभी डिनर का टाइम हो गया, डिनर कर लेंगे। सो अभी मैं हब्बी के लिए यहाँ चपाती बना रही हूँ, और हब्बी को राइस पसंद नहीं है, मुझे राइस अच्छे लगते हैं, बट हमारे यहाँ सुबह शाम चपाती नहीं बनती उस दिन। तो हब्बी को देखो हमारे उनको ये लगता है उनका खाना अधूरा रह गया है आज, उनको क्या नहीं मिला। वो ही नहीं, यूपी के जितने भी जेंट्स हैं सबको यही लगता है कि अगर आज चपाती नहीं बनी घर में तो खाना बना ही नहीं है। यूपी साइड के देख रहे होंगे तो शायद उनको पता होगी। हे गाइस, सो अभी नाइट का टाइम हो गया है, दिशान एंड हब्बी अभी सो गए हैं, तो मैंने सोचा आपको आज जो शॉपिंग करके लाए हैं वो दिखा देती हूँ दिशान के लिए। इतना ज़रूरी भी नहीं था, बट हब्बी को लग रहा था कि बहुत दिन हो गए दिशान के लिए हमने अभी तक कुछ नहीं खरीदा। लास्ट उसके जो कपड़े आए थे उसके बर्थडे पे आए थे, तब से अभी तक कुछ भी नहीं ले पाए लॉकडाउन की वजह से। हम लोग उसके लिए जब भी जाते थे वीक में कुछ ना कुछ अच्छा लगता था तो ले ही आते थे मार्केट से, इसलिए लॉकडाउन हो गया कोरोना की वजह से भी नहीं लिया था। और अभी उसके फुटवेयर्स भी जो हैं वो टाइट हो गए हैं, तो न्यू अभी जा तो नहीं रहा है कहीं पे, अभी जाने लग जाएगा तो वो भी लेके आने हैं उसके लिए। तो मैं दिखा देती हूँ कुछ क्लॉथ्स आपको। तो ये लिए हैं मैक्स, मैक्स से लेके आए हैं, अभी डेली यूज के ही क्लोथ्स लिए हैं उसके लिए, क्योंकि वैसे तो यहाँ कोई शादी नहीं है कुछ नहीं है, हम कहीं जाते नहीं हैं। हाफ पैंट एक ये लेके आए हैं उसके लिए, बट दिसान हाफ पैंट बहुत कम पहनता है, उसको जबरदस्ती पहनाओ तब जाके उसको बोलना पड़ता है, नहीं तो वो फुल पैंट पहनना ही पसंद करता है, उसको हाफ पसंद नहीं है, रोने लग जाता है हाफ पैंट के नाम से। और एक ये टी शर्ट है, दिशान को मैंने देखा है वो मोस्टली कॉलर वाले टी शर्ट पहनता है तो उसका लुक अच्छा आता है। तो हब्बी सारे हब्बी के चॉइस के ही क्लोथ्स हैं, वही गए थे मार्केट में अंदर, हम तो कार में ही थे सिर्फ। एंड एक ये टी शर्ट लेके आए हैं, एंड एक मैक्स से ये वाला फुल पैंट लिया है, इस टाइप का ही, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल में है, ये सॉफ्ट है इसका फैब्रिक, सो सही है डेली यूज में, उसको क्या फुल ही चाहिए। एंड ये लिए थे हमने लूलू से, यहाँ पे ज़्यादा अच्छे कपड़े तो नहीं मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी मतलब नहीं मिल पाती है मुझे तो, मैंने तो देख रही हूँ 5 साल हो गए मुझे, एंड बहुत ज़्यादा ही प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होता है यहाँ पे इंडिया के कंपेरिजन में, जो इंडिया में 500 का मिल जाएगा वही हम यहाँ पे 2000 में खरीद पाते हैं, ऐसा है। तो इसलिए बस दिशान के लिए लेते रहते हैं, अपने लिए तो थोड़ा कम ही लेते हैं। एंड ये एक पैंट लेके आए हैं, सिंपल वाला लेके आए थे, मैंने बोला था डिजाइन वाला कि हाँ डिजाइन वाला भी था, बट उस वो फट रहा था जगह जगह से, तो मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी खराब हो जाएगा तो वो सिंपल लेके आए, उनको वो डिजाइन पसंद नहीं आई। एंड उसमें से लूलू में से एक ये सिंपल, ये भी सिंपल है ब्लू कलर में, एक ये पैंट लेके आए हैं। और क्या था, हाँ एक उनके लिए ये वेस्ट लेके आए हैं, अभी मैं दिसान को जो टी शर्ट्स या शर्ट्स पहनाती हूँ उनके अंदर ये पहनाती हूँ। तो बस यही सारी शॉपिंग करके लाए हैं हमारे हब्बी जी, और इन्हीं का बिल आया है 20 रियाल का, मतलब 20 रियाल इंडिया के रुपए में आपको बताऊँ तो 195 का रेट चल रहा है 1 रियाल का, तो इतने रुपए हो गए 2000 रुपए के आसपास के, ये नहीं 2000 नहीं 4000 के आसपास के कपड़े हो गए। ठीक है, अभी क्या था ना, बहुत टाइम हो गया हमने दिसान के लिए कोई क्लोथ्स परचेज नहीं किए, कोरोना आ गया है इसलिए जाना ही नहीं हो पाया, बट क्या करें ना, बच्चा है मन भी करता है, और अभी उसको लेके भी नहीं जा सकते हम कहीं पे, तो ऐसे ही हम घर पे लाला के चीज़ों से खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। उसका लास्ट बर्थडे पे ही क्लोथ्स लिए थे हमने उसके, तब से कुछ नहीं आया है, फरवरी से अब आया है उसके लिए। सो ये शेयर कर दिया है मैंने आपके साथ में, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो बस यही लेके आए हैं अभी एंड देखेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को जब भी मार्केट जाएंगे तो और कुछ अच्छा लगेगा तो ले लेंगे उसके लिए वो। एंड तो चलिए ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ मैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।